स्वागत करता हूँ। आपकी जोरदार तालियों के साथ स्वागत करना चाहूंगा हमारे आज के मुख्य अतिथि जॉइंट डायरेक्टर यूसुफ फिल्म स्टोर से। जोरदार तालियों के साथ बच्चे, धन्यवाद। चीफ गेस्ट श्री सूरम चंद शर्मा जी, जॉइंट डायरेक्टर जूसर्स एंड स्पोर्ट्स जम्मू श्रीमान सूरम चंद शर्मा जी JKS, हमारे ZPOs जम्मू मैडम अरविंदर कौर जी, ZPO धनसाल मैडम सुदेश जम्बाल जी, बाकी फिजिकल एजुकेशन का जहाँ पे उपस्थित हमारा फील्ड स्टाफ ऑफिशियल तथा प्यारे बच्चों, रीजन लेवल टूर्नामेंट जो है जे सभी डिसिप्लिन में पिछले 10-15 दिन से स्टार्ट है, तो इसी सिलसिले में जे हमारा फुटबॉल अंडर 19 और 17 जे हमें जम्मू डिस्ट्रिक्ट को मिला है, गर्ल्स का भी इसी तरह ऑल एज ग्रुप हमें मिला हुआ है जम्मू डिस्ट्रिक्ट को, इसको हमने होस्ट करना ऑर्गेनाइज करना है। तो इस सिलसिले में आज सर हमारे बीच में दो हमारी अंडर 19 और 17 की टीमें हैं, तो इसमें जे हमारी 7 टीमें जहाँ पे आई हुई हैं अंडर 17 और अंडर 19 में, डिस्ट्रिक्ट यूथ सर्फेस स्पोर्ट्स ऑफिसर हमारे जम्मू के सुखदेव जी, मैडम ZPOs जम्मू और डंसाल भी जहाँ बैठे हैं, बाकी मेरा हमारा जो फिजिकल एजुकेशन का स्टाफ पूरा, और प्यारे बच्चों जो हमारे में और कठुआ के बच्चे जहाँ पे आए हैं, तो पहले मैं तो आप सबको मुबारक दूंगा कि आपने जो डिस्ट्रिक्ट लेवल की टीम डिवीज़न लेवल जो मुकाबले होने जा रहे हैं जम्मू में आपके अंडर 19 और अंडर 17 के, तो मैं ये चाहूँगा कि आप लोग अच्छे जो परफॉर्म करें और जो हमारी डिवीज़न लेवल की टीम है उसमें आप जगह बनाएं। तो उसके अलावा आपको पता है कि इसके बाद डिवीज़न लेवल के बाद हमारी जो टीम है वो यूटी लेवल पे खेलेगी, तो यूटी में भी अगर आप अच्छा परफॉर्म करेंगे तो फिर आपकी यूटी लेवल में भी सिलेक्शन हो सकती है। तो इसलिए हर बंदे ने हर बच्चे ने अपना जो अपना मतलब बेस्ट परफॉर्मेंस देनी है, मतलब बेस्ट देने की कोशिश करनी है, ठीक है ना। तो आपको पता है कि टीम तो एक निकलेगी, लेकिन है कि सभी जो है सभी ने कोशिश करनी है कि हमने ही सिलेक्ट होना है। जैसे स्पोर्ट्स पॉलिसी भी हमारी आ गई है, उसके बाद अगर कोई अच्छा जो बेस्ट परफॉर्मेंस देगा उसके लिए अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं, आगे कोई जॉब वगैरह में भी है, तो इसलिए हमने खाली ये लेके चलना कि हमने नेशनल लेवल पे पार्टिसिपेशन करना, पार्टिसिपेशन के हट के हमने अब मेडल और मतलब एशियन हो गया, ओलंपिक कह जाओ, और गेम पे हमने मेडल लेने की कोशिश करनी है। डिवीजन लेवल पे जब नेशनल लेवल पे आपने जाना है, तो उसके बाद अगर आपकी कोई इंडिविजुअल गेम होगी तो उसमें आप जो मेडल वगैरह भी ले सकते हो। तो मैं सभी को बेस्ट ऑफ लक करूँगा आने वाले जो आपके कॉम्पिटिशन्स हैं, और मैं मतलब यह कि आप में से जो भी लोग जो अच्छा परफॉर्म करेंगे वही सिलेक्ट होंगे, तो इसलिए आपने अपना बेस्ट देना। थैंक यू।